प्रदेश कांग्रेस ने उत्तराखंड के अंदर चल रहे राजनीतिक घमासान का दोषी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बताया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने आज पत्रकार वार्ता कर अमित शाह पर राजनीति को कलंकित करने का आरोप लगाया। उपाध्याय का कहना है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता गुपचुप तरीके से कांग्रेस विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही उपाध्याय ने बाबा रामदेव पर संत होने के बावजूद राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। राजनीति को कलंकित करने में ये जो सारा का सारा प्रकरण हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह की रही है और जो जानकारी मिली है जो विधायक कांग्रेस पार्टी से इस समय जगह जगह कहीं दिल्ली कहीं जयपुर वगैरह में हैं उन्होंने गुपचुप तरीके से अमित शाह जी ने उनसे मुलाकात की है। उसके साथ साथ में मुझे ये जान करके और आश्चर्य हुआ कि हरिद्वार की पवित्र धरती ने जिस व्यक्ति को हरियाणा से वहाँ पर प्रश्रय दिया और हरियाणा में आया राम और गया राम राजनीति के पर्याय बने हैं इस दल बदल राजनीति के, उसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्वामी रामदेव की रही है और कम से कम राजनीति में राजनीति के कुछ करें अमित शाह कुछ करें वो अलग बात है, लेकिन स्वामी रामदेव जी ने उस परंपरा वो एक जो गौरव है संत समाज का उसको भी अब इस राजनीति का जो एक कीचड़ जो इन्होंने जिसको हम कह सकते हैं उसमें उन्होंने वो भी लिप्त हो गए हैं जो कि पूरे देश के संत समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है।